नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सिंह चौहान और आप देख रहे हैं ट्रेवल हस्ती। दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था, वो दिसंबर का महीना था और ये जनवरी 1 तारीख का 2019 है। तो दोस्तों, ये देखिए करवा घाट कितना ख़तरनाक है। मैं सामने से ले रहा हूँ, बहुत ही ख़तरनाक है और आज जो है बहुत ही काफ़ी भीड़ है। ये मैं आपको दिखाता हूँ सामने से, तो सामने देखिए कितने लोग हैं और कुछ लोग सामने भी जा चुके हैं। ये फॉल की आवाज़ से मेरी आवाज़ आपको नहीं आ रही होगी, पर आप ध्यान दीजिएगा। चलिए मैं आपको नीचे की ओर ले चलता हूँ, ये बहुत ही ख़तरनाक जो दिख रहा है। चलिए नीचे की ओर मैं आपको ले चलता हूँ। आप लोग कहाँ से आए हैं? कुटी से आए हैं। आप कुछ बोलना चाहेंगे करवा घाट के विषय में? थक गए हैं? थक गए, पानी बहुत है पर पीने का नहीं। अच्छा, पीने का पानी। जाने में तो आने के बाद बहुत अच्छा लगा था। अच्छा, गंदी बात नहीं। चलिए ठीक है, ट्रेवल मस्ती की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। ठीक है। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था, ये करवा घाट का जो भीड़ होता है 1 जनवरी को होता है और ये जो मौका है आज 1 जनवरी का ही है। और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ कितना ज़्यादा भीड़ होता है। पिछले बार में मैंने आपको दिसंबर के महीने में दिखाया था, वो बिल्कुल खाली था। और ये जो है ये पिकनिक का मौका है 1 जनवरी 2019। और यहाँ का जो है रोमांच देखिए, यहाँ पे लोग बहुत दूर दूर से आए हुए हैं सैलानी। और मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह का भीड़ है यहाँ पे। मैं बिल्कुल ही किनारे पे आके शूट कर रहा हूँ और यहाँ बहुत बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं। पिछले बार मैंने दिखाया था बिल्कुल खाली ही था और आज का माहौल ये देखिए बिल्कुल ही भीड़ है। ये करवा घाट का मैंने पहली बार भी आपको दिखाया था और आज का जो ये है वो काफ़ी ही मनोरम है। 1 जनवरी 2019 है ये, पिछले बार मैंने दिखाया था। ये बहुत दूर से शूट कर रहा हूँ क्योंकि आवाज़ जो है वो मेरी आपको सुनाई नहीं देगी, इसलिए बहुत दूर से शूट कर रहा हूँ। बिल्कुल ही ऊपर में आके सामने का जो है वो नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ दूर से। हालांकि ये पहले फेमस नहीं था लेकिन अब फेमस हो गया है। हालांकि ये दिखाने की ज़रूरत नहीं था, काफ़ी लोगों ने ये यूट्यूब पे डाल रखा है, लेकिन 1 तारीख का जो नज़ारा है वो कुछ और है। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ काफ़ी दूर से। कुछ पिक्चर हिलेगा भी क्योंकि मैं ये कैमरा जो है मैं अपने हाथ में पकड़ा हुआ हूँ और काफ़ी भीड़ है, ऊपर चढ़ा हूँ और मैं थक गया हूँ। और ये देखिए यहाँ का नज़ारा है कुछ और है। पुलिस प्रशासन का भी व्यवस्था है यहाँ पे और बिल्कुल ही काफ़ी भीड़ है। मैं बिल्कुल टॉप में हूँ इसलिए आपको फिगर जो छोटा दिखाई दे रहा होगा। और मैं एक पर्यटक से आपको रूबरू कराना चाहूँगा। ये कहाँ से आए हैं मैं इनसे बात करना चाहूँगा। हाँ सर जी, आप कहाँ से आए हैं? जी मैं आपको तोरपा से आया। अच्छा, ये करवा घाट कैसा लग रहा है आपको? जी बहुत अच्छा है। अच्छा, इससे पहले आप जानते थे क्या यहाँ? इससे पहले तो नहीं जानता था, मगर दोस्तों ने बोला कि चलो वहाँ अच्छा जगह है। अच्छा, मैं बोला कि ठीक है चलता हूँ। पिछले बार आया था तो यहाँ पे सब मतलब पहले पार करने का जगह नहीं था, सब बोलते थे। अच्छा। पार करने का इस पार से उस पार होने का कोई जगह नहीं था। उसके बाद यहाँ ग्रामीणों ने मिल करके आपसी मतलब सहयोग से और एक पुलिया का निर्माण किया है जो कि लकड़ी से बनी हुई है और मजबूती है। तो उसके बाद यहाँ पे भीड़ ज़्यादातर मतलब आने लगी और पहले लोग डरते थे, उसके बाद अभी तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं, परिवार के साथ भी आते हैं। अच्छा। मैं भी अपने परिवार के साथ ही आया हूँ। तो सर ये बताइए यहाँ पे जो है ये नौका विहार भी लोग कर रहे हैं? जी जी। तो ये किनके द्वारा वो संचालित कर किया जा रहा है? जी यहाँ की एक कोई मतलब यहाँ का जो युवा है उन लोगों के मतलब
एक यूनिटी है, मतलब एक अपना क्लब टाइप का बना रखा है इन्होंने, अच्छा, युवाओं ने, और यहीं से मतलब अपना जो भी जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगा करके प्रशासन और दोनों के बीच में मध्यस्थता सम्मत बातचीत करके और ये नौका बोटिंग चालू किया इन्होंने। अच्छा सर जी, आप तो तोरपा के ही हैं, तो तोरपा से ये कितने किलोमीटर पे है? जी हाँ सर, तोरपा से तो मतलब 15-16 किलोमीटर पड़ता है। 15-16 किलोमीटर है, और पुलिस प्रशासन की भी व्यवस्था है यहाँ? जी हाँ बिल्कुल, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है, मतलब ऐसा है कि जब ये स्पॉट जो है अपना ये पिरवा घाग स्पॉट, इससे आपको 3 किलोमीटर पहले से ही अच्छा प्रशासन की सहयोग आपने लिए है, और ये सहयोग आपका मतलब आज के दिन में खास करके जी आज का दिन में खास करके रखता है, और तपकरा पुलिस यहाँ पर, यहाँ का जो लोकल पुलिस स्टेशन है तोरपा और तपकरा दोनों ही थाने में यहाँ पे मतलब जी, जी, बहुत जी, ही जी, हाँ, उमदा व्यवस्था करके रखते हैं पुलिस प्रशासन हाँ, का दोनों मिल करके रहते हैं, और यहाँ पे मतलब बहुत ही मनोरम दृश्य है, आपने देखा होगा उधर साइड में टेनिस वगैरह मतलब खेलते हैं उधर, ये जो एरिया है ना, जी 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 राजेश जी बोलिए, ये एरिया है आपको उधर, आपको टेनिस खेलते हैं, मतलब बहुत ही अच्छा बना दिया है, पहले से तो उसमें यहाँ पे आने से लोग डरते थे, कतराते थे, बहुत सारा कुछ ऐसा माहौल था, लेकिन अभी तो मतलब बहुत ही अच्छा है। अब ऐसा कुछ नहीं है? जी जी नहीं, अभी कुछ नहीं है। अच्छा, मतलब पहले जो होता था 10 साल पहले, उससे काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रहा है यहाँ पे? जी हाँ, 2-4 साल पहले तो यहाँ पे कुछ नहीं, बस कुछ आते थे कुछ लोग, सड़कें नहीं थी, अच्छा सुविधा नहीं था, सड़कें बहुत ही मतलब पूरी हालत में थी, बिल्कुल जर्जर हालत में थी, जर्जर हालत, सड़क मनी सड़क तो था ही नहीं। अच्छा, आपको मैं बता दूं कि केवल मेटल और ये बोल्डर के टुकड़े हुआ करते थे, बाइक लाना भी मुश्किल था, 4 चक्का पहिया गाड़ी का तो कोई मतलब ये मैटर ही नहीं कि वो आ जाए, अभी तो निजी वाहन, और मैंने देखा जैसा कि काफ़ी मतलब कि निजी वाहन खड़े हैं, दो पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन और बसें वगैरह भी, और यहाँ पे जो है पार्किंग बना दिया गया है। जी हाँ बिल्कुल चौहान जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी आपको निजी वाहन प्लस यहाँ का आपका मतलब भाड़े की वाहन सारे को मिला करके 2 पहिया 3 पहिया 4 पहिया ऑटो से भी आए हैं कुछ लोग, अगर सबको मिलाया जाए तो मैं बता दूँ कि आपको 3,000 आसपास का मतलब 2 पहिया लेकर के वाहन आए। अच्छा, मतलब 3,000 वाहन भी होंगे तो जनसंख्या भी बहुत काफ़ी होंगे यहाँ पे, जैसा को देखने को मिल रहा है, बिल्कुल यहाँ इतना जो भीड़ है, इतने सारे जो देखने को मिल रहे हैं यहाँ, लगता है काफ़ी भीड़ है जी, ऐसा बहुत सारे चौहान जी, भीड़ तो हम लोग देख ही नहीं पा रहे हैं ना, ऐसा है कि मतलब जो पेड़ है ना, पेड़ के अंदर अंदर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, धूप है ना, कड़क धूप लग रही है, तो थोड़ा आज मौसम है बोला जाए मतलब अच्छा है, नया साल नया मौसम, मतलब कुछ हुआ, इतना मौसम अच्छा है ना, मतलब मौसम अपना पूरा साथ दे रहा है यहाँ पे, बोले तो बहुत अच्छा लग रहा है, और सारे लोग अभी पेड़ के अंदर में छुप छुप कर बैठे हुए हैं, पेड़ है बोल्डर है उसके अंदर में सारे लोग छुप कर बैठे हुए हैं, और बहुत ही अच्छा है यहाँ का, मतलब जो आते हैं अपना युवा है यहाँ के लोग हैं, मतलब किसी भी प्रकार का मतलब ये है कि परिवार के साथ आप आ सकते हो, कोई आपको किसी भी प्रकार का हर सुविधा, मतलब कोई आपको जैसे कोई और स्पोर्ट्स में जाते हो तो वहाँ भी ये सब अभी तो देखा जा रहा है प्रशासनों द्वारा कि कोई खाते पीते मतलब नज़र नहीं आए, थोड़ा सा मतलब अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, परिवार के साथ अगर आप आते हैं, बगल में कोई ड्रिंक कर रहा होता है तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है जी। नहीं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, सारे लोग मिल करके एक साथ देखिए, मतलब ऐसा माहौल जी जी, एक ऐसा मंजर मतलब बहुत अच्छा लगा। अच्छा ठीक है राजेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ट्रेवल मस्ती की ओर से, फिर मिलेंगे अगली बार में, ओके थैंक यू। तो दोस्तों जैसे आपने देखा ये पिरवा घाग है, और राजेश जी बता रहे थे यहाँ के स्थानीय युवक हैं, उन्होंने मैंने पूछा वो सारा कुछ बताए, और ये पिरवा घाग का माहौल है, जनवरी 2019 फर्स्ट तारीख का है, तो जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ पे कोई किसी प्रकार कोई तकलीफ़ नहीं है, सभी लोग आते हैं फैमिली और परिवार के साथ में, और इस तरह से जो है यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल बना हुआ। तो दोस्तों इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ट्रेवल मस्ती के साथ एंजॉय करें, और लाइक करें शेयर करें, और इसके साथ ही मैं आपको धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बने रहिए ट्रेवल मस्ती के साथ में।